मानी जी, ये बताइए कि आपका जो लुक रहा है हमेशा, चाहे बड़ा पर्दा हो छोटा पर्दा हो, बड़ा सोबर रहता है, तो किस तरह से कैमरे के सामने इसको इन्हांस कर पाती हैं, चरित्रार्थ कर पाती हैं, उसके बारे में टिप्स दीजिए। देखिए धन्यवाद, पहले तो एक कॉम्प्लीमेंट मैं ले रही हूँ कि आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और आप ही नहीं दर्शक भी बोलते हैं कि जब मैं स्क्रीन पे आती हूँ तो वो जीवंत हो जाती है, चाहे वो फिल्मों की जर्नी हो या ये कटोरी अम्मा का भी किरदार हो। तो क्या होता है, एक्टर क्या करता है कि जो खुद की पर्सनालिटी है वो भी आती है, और जो आप मेरे लुक की बात कर रहे हैं, जो मेरा गेटअप है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैं एक सामान्य भारतीय नारी का गेटअप है, जो कि बाल बंधे हुए जुड़ा है और बिंदी है। बिंदी का ख़ास महत्व ये होता है कि ये जो है, आपको मैं जैसे पहले भी बताती, ये आज्ञा चक्र है, तो ये आकर्षण का केंद्र बनता है, तो इससे पूरा चेहरा खिल उठता है, और बाकी जो आँखों की चमक है, और ये तो रूहानी होती है। तो ये आई थिंक आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स, मैं पहाड़ी उत्तराखंडी हूँ, तो मेरे पेरेंट्स की ये सब कुछ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, मेरा कोई ब्यूटी रूटीन कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो लगभग आई एम शूटिंग ऑलमोस्ट एवरी डे, तो आज स्टूडियो में आते हैं, मेकअप लगाते हैं हल्का सा, पर ये मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा ना करो, कोई भी चीज़ ज़्यादा वो अच्छी नहीं लगती है, सटल होना चाहिए। तो सटल्टी से आप एक्सप्रेस भी बेटर कर सकते हो, और एक्टर कैसे एक्सप्रेस करता है, एक तो अपनी आँखों से और अपने लिप्स से, चेहरा तो है हर एक, एक्चुअली एक्टर का अंग अंग बोलता है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने जो बचपन में जो ट्रेनिंग करी हो, डांस मैंने किया, म्यूज़िक किया, तो वो सब ऐड करता है, और आई हैव बीन ब्लेस्ड, ये तो मेरे पेरेंट्स को ये श्रेय दूंगी, जीन्स को, कि आई हैव बीन टोल्ड आई हैव वेरी एक्सप्रेसिव आइज, तो वो उन पे जाता है ये, तो आई एम ब्लेस्ड बाय माय पेरेंट्स और भगवान और ऑडियंस का प्यार। कई बार ऐसा होता है कि सास बहू में कंपटीशन होता है, एक रिश्ता तो होता ही, कंपटीशन होता है कि मैं भी अच्छी दिखूं। जी जी, वो तो होता ही है, क्योंकि हम लोग अपने बेटे के अफेक्शन के लिए कंपीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी और ये टिप देना है कि बिना मिनिमम मेकअप और बिना चमक दमक के कपड़े के सिंपल और सोबर रखने की 4-5 टिप्स बताइए अपने फैंस को, कि वो जानना चाहते हैं कि मेहमानी जी की तरह कैसे खूबसूरत दिखा जाए। थैंक यू। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, हर एक अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन ज़्यादा अगर आप ओवर करेंगे, जैसे कि अगर मेरी एज की महिलाएं हैं, हम अगर 20-25 साल की लड़कियों के साथ कम्पीट अगर उनके जैसे ही करें, तो ये तो भूल जाइए, क्योंकि उनके जैसे तो हम बन ही नहीं सकते। तो इससे बेटर है कि आप जैसे हैं सोबेरिटी रखिए, मैच्योरिटी रखिए, क्योंकि उसमें भी अपनी खूबसूरती है, क्योंकि हॉलीवुड वगैरह में तो यही मानते हैं कि एक औरत 40 साल की उम्र के बाद वो खिलना शुरू करती है, तब उसमें असली निखार आता है। तो यू, आप जितनी भी मिडिल एज्ड महिलाएं हैं, चाहे आप माधुरी दीक्षित को ले लीजिए या जो भी हमारी जो माएँ स्क्रीन पे कर रही हैं, तो वो पूरी परिपक्व हो गई है, परिपक्व ब्यूटी का अपना एक आकर्षण होता है, तो आप उसको मत खोइए। क्यों आप खामखा, ये जो यंग है उसकी अपनी ब्यूटी है, लेकिन वो आप जी चुके हो ना, तो अब आपको इसमें जीना है, और ये ही असलियत है। तो सबसे पहले आपको असलियत को एक्सेप्ट करना है कि आप मिडिल एज्ड हैं, और लेकिन उसमें उसका ये मतलब नहीं है कि आप सुंदर नहीं हैं, आप उनसे भी ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो दैट एक्सपीरियंस एड्स टू योर ब्यूटी, आपकी सीरेनिटी को, आप में जो पीस है, आप में जो कामनेस है, वो ऐड करता है, और वो आपको और खूबसूरत बनाता है। थैंक यू।